दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवाजी एस्ट्रोलॉजी में। ये है दुनिया की सबसे अमीर राशि। साल 2023 से साल 2040 तक सातवें आसमान पर रहेगा इन राशि वालों का भाग्य। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 12 राशियों में से कुछ राशियां बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाली हैं। अब ये राशि वाले अमीर बनेंगे। दोस्तों भगवान भोलेनाथ इन राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, जिससे अब इन राशि वालों के लिए साल 2023 से साल 2040 तक का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। इन राशि वालों की भक्ति को देखकर भगवान भोलेनाथ इन पर अत्यधिक प्रसन्न हो गए हैं। दोस्तों इस समय में इन राशि वालों को भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ, बड़े लाभ, धन लाभ और बड़े बड़े सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे अब इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों वो खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं जिनको भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से साल 2023 से साल 2040 तक के समय में अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी खुशखबरियां, बड़े लाभ, धन लाभ और बड़े बड़े सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। ये राशि वाले धन से मालामाल होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके लिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से साल 2023 से साल 2040 तक का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। इस समय में ये राशि वाले धन से मालामाल होंगे। यूं कहें कि इस समय में इन राशि वालों का भाग्य सातवें आसमान पर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का काफ़ी महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, जब व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो उसमें ग्रहों का बहुत बड़ा हाथ होता है। गौरतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की अनुकूल स्थिति हो तो उसके जीवन में अच्छा ही अच्छा होता है, और अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी ना हो तो व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट सकता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को इस पूरी सृष्टि का निर्माता कहा जाता है। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है, शिव शंभु कैलाशपति भी कहा जाता है। यानी धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का स्थान बेहद ऊंचा है। हालांकि भगवान शिव भाव से जितने भोले भाले माने जाते हैं उतना ही ज़्यादा उन्हें क्रोध भी आता है। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान भोलेनाथ को खुश करना बेहद आसान है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति पर एक बार भगवान शिव की कृपा हो जाए, यकीनन उसका अच्छा समय आने से कोई नहीं रोक सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राशियों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर भगवान शिव की कृपा हो गई है, जिससे अब इन राशि वालों के लिए साल 2023 से साल 2040 तक का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। भाग्य उदय का यह समय रहेगा इन राशि वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शिव की कृपा से इन राशि वालों के जीवन में अब बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इन राशि वालों को अपने जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली है। दोस्तों जिन खुशकिस्मत राशियों के बारे में बात कर रहे हैं, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि है जिनके लिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से साल 2023 से साल 2040 तक का जो समय है बहुत ही अच्छा समय साबित होगा, दोस्तों वह राशि है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव मेष राशि वाले लोगों पर इसमें बहुत ही अपनी अपार कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं। बता दें कि न केवल इस समय में मेष राशि वालों को धन लाभ होगा, बल्कि इनके व्यापार में खूब तरक्की होगी। इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें तरक्की मिलने के
पूरे योग हैं। जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनका वह सपना अब जल्दी पूरा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि नौकरी प्राप्ति के अनेकों योग हैं। मेष राशि वाले जातकों, इस समय में आपके सभी रुके हुए कार्य सफल पूर्वक पूरे होंगे। नौकरी की दृष्टि से मेष राशि वालों पर यह समय बहुत ही अच्छा है। घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। आपको बता दें कि सभी कार्य, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके लिए इस समय में बिल्कुल लाभ उठाइए इस समय का। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से साल 2023 से साल 2040 तक जो समय रहेगा बहुत ही शुभ रहेगा। इसमें आपके बंद किस्मत के ताले खुलेंगे, व्यापार में उपलब्धि होगी, कई बड़े प्रमुख कार्य भी बनेंगे, अधूरे कार्य आसानी से बनेंगे, जो कार्य अभी तक नहीं बने उन कामों को भी पूरा करेंगे। कई मामलों में अचानक बड़ा उलटफेर भी होगा, बहुत बड़ी खुशखबरी अब प्राप्त होगी। दोस्तों, आप लोग आने वाले दिनों में किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलेगा, भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। धन संबंधित समस्याएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर होंगी, धन आगमन के नए स्रोत आएंगे और आपको जो पैसे से जुड़ी समस्याएं थी वो दूर होंगी। सभी काम इसमें पूरे होंगे। बता दें कि आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में पहले से ज़्यादा मधुरता आएगी और इसमें आप लोग अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप लोग विद्यार्थी हैं तो आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन हो सकता है इस यानी कि कार्य से आपको लाभ भी मिलेगा। और साथ ही साथ बता दें कि इस समय आपको कई बड़े लाभ और परिश्रम भी करने पड़ेंगे, हालांकि इस परिश्रम के बलबूते आपको सफलता प्राप्त होगी। जो कार्य पेंडिंग थे, जो कार्य अभी तक नहीं पूरे हुए, उन कामों को पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। बता दें कि अधिक परिश्रम करने से लाभ की स्थिति बनी रहेगी, कारोबार का लाभ होगा और इसमें व्यापार में आपको अधिक से अधिक धन लाभ होगा। अगली जो राशि आती है दोस्तों, वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनपसंद नौकरी मिलेगी। साल 2023 से साल 2040 तक का समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अब दुनिया में आप सबसे खुशनसीब और अमीर राशियों में एक गिने जाएंगे। बता दें कि आपको इसमें ग्रहों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, ग्रहों में कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जिसकी वजह से आपके सभी दुख दर्द और तकलीफ दूर होंगी। बता दें कि इसमें धन संबंधी जो परेशानियां थी वो दूर होंगी, आपके सभी दुख दर्द कष्ट दूर होंगे, परिवारजनों का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रसन्नता बनी रहेगी, आप लोगों को अनेकों प्रकार के धन लाभ होंगे। आप लोग यात्रा पर भी जा सकते हैं और आपको जितनी प्रेम संबंधी समस्याएं थी वो सभी समस्याएं दूर होंगी। प्यार की तलाश में है तो मनचाहा प्यार मिलेगा। आपको बहुत बड़ी खुशखबरी और सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आप जितने पहले कष्टकारी जीवन यापन किया वो सारे अब दूर होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। परिवार का माहौल काफ़ी शांतपूर्ण बना रहेगा। आपको अपने जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में अधिक सफलता हासिल करने का मौका मिलेगा। आपको अब अच्छे दिनों की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। आपको वो सारी खुशियाँ प्राप्त होगी जिसके आप हकदार हैं। नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी, नए कारोबार का लाभ होगा, चीजें आपके पक्ष में आएंगी। अगली राशि है दोस्तों, बता दें वो है यहाँ पर धनु राशि। धनु राशि को बता दें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब साल 2023 से साल 2040 तक का जो समय रहेगा बहुत ही शुभ रहेगा। लॉटरी बम्पर लगेगी, कार्यक्षेत्र में लाभ होगा, अचानक धन का लाभ होगा, कार्यक्षेत्र में आपको विशेष लाभ होगा, कार्यों में चली आ रही परेशानियां दूर होगी, इनकम बढ़ेगा, कई महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, लगातार आपके आय बढ़ेंगे, कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफ़ी समय से अधूरे पड़े थे, पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, धन संपत्ति का लाभ होगा, कार्यक्षेत्र में आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। अभी तक अगर कोई कार्य नहीं बना तो वो कार्य बनेगा। धन की स्थिति और कारोबार की स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी। लंबे समय तक पेंडिंग कामों को पूरा करने का मन बना सकते हैं। अधिक से अधिक आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। बता दें कि इसमें आप जो भी कार्य करेंगे वो सारे काम बनते चले जाएंगे, पेंडिंग कामों को भी पूरा करने का मौका मिलेगा। अगली जो राशि आती है दोस्तों, बता दें वो है मीन राशि। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मीन राशि के जातकों, अब साल 2023 से साल 2040 तक का समय बहुत ही शुभ रहेगा। इसमें आपके करियर में विशेष लाभ होगा, लगातार आमदनी बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा। निश्चित ही इसमें आपको किसी बड़ी सफलता
की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से घर परिवार का माहौल काफी अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध होंगे काफी अच्छे और सराहनीय होंगे। कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। लंबे समय तक अवधि वाली नौकरी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। जो कार्य आपके अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करेंगे। व्यापारियों के लिए काफी खास रहेगा। कुछ अच्छे वातावरण का इसमें लाभ भी उठा सकते हैं। अब अगली जो राशि आती है दोस्तों, बता दें वो है यहाँ पर, यानी कि मिथुन राशि। बता दें कि अब आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा। कुछ ऐसे अधूरे कार्य पूरे होंगे जो काफी समय से नहीं बन पा रहे थे। साथ ही बिजनेस व्यापार में लाभ होगा। ऊंचाइयों को छुएंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से साल 2023 से साल 2040 तक का समय बहुत ही शुभ रहेगा। बता दें कि इसमें पैसे से जुड़ी समस्या दूर होगी। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक से कोई लोन वगैरह मंजूर होंगे। गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त होगा। साथ ही अपने घर परिवार के सुख सुविधा में वृद्धि करेंगे। तेजी से इसमें धन लाभ के योग बन रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी बनेंगे। काफी लंबे समय से अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। मनचाही सफलता मिलने के योग बनेंगे और कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। अगली राशि है दोस्तों, बता दें वो है यहाँ पर कर्क राशि। कर्क राशि को बता दें कि आपको भी अब मनचाही सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। लगातार आमदनी प्राप्त होगी और बड़े बड़े धन लाभ के योग बनेंगे। कुछ ऐसे सफलताएं प्राप्त होंगी जो काफी समय से नहीं मिल पा रही थी। इसमें आपको रुपये पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों, इन राशियों पर भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा दृष्टि है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपकी राशि कौन सी है। और दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ भी जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को सच्चे दिल से आप एक लाइक करके इसे शेयर करिएगा और साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।